हेलो जी, सुषमा सुषमा ब्लॉग पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो जी देखिए, अभी तो हो रहा है रात का समय और ये टाइम मिला है मुझे आप लोगों से बात करने के लिए। वैसे तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही कर दी थी, आपको देखने को मिलेगा आगे वीडियो में ना। तो बस अभी हम खाएंगे खाना, क्योंकि आज तो ये भी जल्दी आ गए थे ऑफिस से ना। तो बस इन्होंने बोला कि क्योंकि इन्होंने आगे शाम को खाना खा लिया थोड़ा सा ना, तो कह रहे कि अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर में खाऊंगा। तो बस अब मैं फिर बस किचन संभाल लेती हूँ, क्योंकि अब तो बस हम लोगों को खाना ही खाना है। तो चलिए मिलती हूँ फिर बाद में, खाना खाने के बाद ना। और हाँ, आप लोगों से एक बात कहनी थी, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो नाश्ते में तो मैंने बनाया है आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटियां, और अब मैं बना रही हूँ चाय। अब हम लोग करेंगे नाश्ता और आप लोग भी आ जाइए। और ये देखिए, ये गुलाब जामुन की चाशनी बची हुई थी, तो मैंने इसके अंदर ब्रेड को डिप कर दिया और इसके ऊपर ना वो दूध पाउडर और दूध का ना पेस्ट बना के डाला। सच में बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में ना, चाशनी भी इस्तेमाल में हो गई, वरना मोस्टली फेंक नहीं पड़ती है चाशनी मेरे को ना, तो अच्छा लगा खाने में। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। है ना, क्या बना दूँ? गाजर का हलवा बना दो, बताओ। सर्दियों में बनता है, लो खा के देखना शीश। आप एक बार मेरे से कह रहे थे ना ऐसे बनाने के लिए, नहीं देखो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। मामला साफ। बस उनके जाने के बाद ही सारे काम मैं स्टार्ट करती हूँ करने के ना। तो झाड़ू पोछा करा, फिर किचन वगैरह संभाली, सोना को नहलाया, बस ये सारे काम करे और फिर हो गया लंच टाइम। तो फिर बीवी ने बोला कि मैं चावल खाऊंगी, तो फिर उनको चावल दिया आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ ना। वैसे मुझे ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और फिर मैं आ गई थी ऊपर सफाई करने के लिए ना। सफाई क्या मतलब, सिर्फ कमरा संभालने आई थी, क्योंकि सफाई तो करके जा चुकी थी मेरी हाउस हेल्पर ना। मैंने बोला था ना आपसे, कोई नहीं उठाता, सब ऐसे उठ जाते हैं बिस्तर पे से, तो आके बस पूरा कमरा संभाला। और ये देखो, मैं ना चाहे कितना भी उठाऊं, तो ये लड़की वहीं फैला देती अपना सारा सामान।
मतलब उसने तीनों कमरों में अपने खिलौने फैला रखे थे। सोफे पे तो अपने खिलौनों को बिठा देती है कि ये ना मतलब मेहमान हैं और बैठे हुए हैं और मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ, तो अलग कमरे में रसोई बनाएगी, अंदर वाले कमरे में उसने किचन बना रखा था। और यहाँ पर तो दोनों बहनों का सामान फैला हुआ था, ये अपने स्कूल का काम कर रही थी इसका फैला हुआ था, और उसने जो बाकी खिलौने निकाल रखे थे वो सब इस अलमारी के अंदर में सारे खिलौने लगाती हूँ उसके। और वो फिर से मतलब मैं अभी लगा के जा रही हूँ, वो क्या करेगी, आएगी ऊपर और कहेगी क्यों हटाया मेरा किचन सेट, और दोबारा सब ऐसे ही फैला देगी। मतलब ये समझो कि पूरे दिन ना फैला रहता है कमरा, समेट दिया मैंने बस थोड़ी देर के लिए, जब तक वो ऊपर नहीं आएगी तब तक, नहीं तो फिर से वो ऐसे फैला देगी। उसको पता नहीं, उसको अच्छा लगता है, कहती कि मत उठाओ मेरे खिलौने, सब खो जाएंगे, और खुद से लगी रहेगी पूरे दिन ऐसी, बस इतना परेशान कर देती है ना। मैं कभी कभी बोलती कोई घर में आएगा तो घर कैसा लगेगा, सोना घर गंदा लगेगा बेटा, ऐसे मत फैला, पर सुनती नहीं। कौन आया सोना? कौन सा चाहे ऐसा ना? देखो ये ना सोना की फेवरेट ड्रेस है शीश, देख रहे हो, मैंने इसको सुबह वो बना रखा था फुल स्लीव, मच्छर हो रहे हैं इसमारे फ्रॉक। अच्छा वो ब्राउन वाले टॉप ना, उसके नीचे स्कर्ट है, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई वो उसकी स्कर्ट को, जब भी उसे पहनाऊंगी बोलेगी नहीं ढूंढी ना, नहीं ढूंढी ना, ऐसे बोलेगी मेरे को। ए मैंने कहा ढूंढूंगी रुक जा। क्या हुआ, गाँव नहीं गया आज क्यों, क्या हो गया, ऐसे ही मूड बदल गया है? ऐसे भी ठीक है शीश है, देखो भैया तू तो दूर ही रह मेरे फोन से। अच्छा मिला कर रखा है। हाँ बुद्धू हो ना, तू मैं बुद्धू कैसे हूँ ये तो बताते अभी, गिन ना जाए, मेरे को ये डर लग रहा है कहीं फोन गिर जाए, गिर जाएगा टूट जाएगा। हाँ तो मैं तेरा फोन ले लूंगी। इस कमरे में चार लोग और चारों के हाथ में एक एक फोन है, है गजेंद्र? मैंने कहा इस कमरे में चार जन बैठे हैं, हम चार और हम चारों के पास एक एक फोन है ना? क्या दिन आ गया बताओ, आदमी को देख के आदमी खुश नहीं, आदमी के चित्र को देख के आदमी खुश हो रहा है। तो मम्मी के यहाँ पे थी ना मैं, ये बीमार हो गई थी, मम्मी बोली प्याज खाओ, सुषमा प्याज खा, मैंने कहा चल खा लेती हूँ, और जैसे काटी ना प्याज, और मैं इतने चाव से लेके बैठी थी शायद कढ़ी खा रही थी, ये ना कढ़ी चावल के साथ प्याज खाऊंगी। अरे भाई जो स्मेल चढ़ी मेरे दिमाग को ना, मैंने तो खाई खाई नहीं, और मैंने ऐसे बोल दिया कि ना पापा जी मुझे तो बदबू आ रही प्याज में से, बजने भी नहीं खाई, कह रहे तूने तो कहा मुझे भी बदबू आ गई प्याज में से। मैंने कहा नहीं वैसे मैं खाती हूँ कढ़ी के साथ ना, अच्छी लगती है प्याज खाने में ना, कढ़ी चावल हुए, उड़द की दाल हुई, इसके साथ हुए चावल, उनके साथ अच्छी लगती है खाने में प्याज, लेकिन भाई मतलब पता नहीं अजीब सी स्मेल थी, किस चीज की थी भगवान जाने, प्याज की रही है भगवान क्या जाने, जब प्याज काटी तो प्याज की स्मेल रही होगी, लेकिन सब कुछ भगवान ही जाने बस। तो जी अब मैं आ गई हूँ किचन में और रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। रात के खाने में मैंने बनाए थे आलू मटर, चावल और रोटियाँ बनाई थी,
तो मैं सब्जी छोक रही हूँ। पहले ना मैंने कुकर में बॉईल कर लिया था ना उसको, आलू मटर को, क्योंकि मुझे चावल बनाने थे कुकर के अंदर, क्योंकि ना मेरे से ना खुले चावल बनते नहीं है, ऐसे पसा के बनाते हैं ना जो चावल, वो मेरे से बनते ही नहीं है। मेरे को ना पानी, मैं चाहे कितना पानी डालूँ उनके अंदर ना पानी कम हो जाता है, पता नहीं कैसे सारा पानी वो चावल ही पी लेते हैं, तो वैसे मेरे से बनते ही नहीं है। और कितने लोग तो ऐसे ही बनाते हैं ना कि जितना चावल में पानी लगना होता है उतना ही पानी डालते हैं, और वो बिल्कुल भी मतलब पसाते नहीं उन चावलों को, बिल्कुल अच्छे से बनते हैं। मेरे से वैसे भी नहीं बनते, सिर्फ कुकर में बनते हैं मेरे से चावल ना, खुले में चावल बन मेरे से बनते ही नहीं है बिल्कुल भी। और फिर ना सोना बोली कि ना मम्मी अनार काटो, और ये देखो अनार ना सूख भी गया है, क्योंकि ना इसको छीलने में इतना मेरे को वो लगती है ना, अलझट लगती है बहुत ज़्यादा छीलने में ना। तो मैंने कहा चल मैं छील के देखती हूँ, मैंने बहुत देखा है यूट्यूब पे ना, ऐसे छीलो ऐसे करो तो आराम से छिल जाता है, पर मेरे से तो हुआ नहीं। फिर जो मेरा खुद का तरीका था मैंने उसी से करा, तो ऐसे मैं इसको मार के देख रही थी देखो चमचे को ना इस पे, पर वो निकले नहीं मेरे से दाने, और मेरे से निकलते ना सबसे ज़्यादा आलस मुझे इसी काम में आता है करने में ना, अनार जबकि मेरा फेवरेट है पर कोई निकाल के दे तब तो ना, और ये मेरे से निकलता ही नहीं है। तो फिर मैंने इसे हाथ से निकाले दाने, जैसे मैं निकालती हूँ मतलब, फिर मैंने वैसे ही निकाले दाने। तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं एक नए दिन और नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।